लिखा हो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे मगर हम खुश नहीं है राजीव जी ने क्या किया कांग्रेस पार्टी और राजीव जी ने जो 400 सीट लेकर आए थे उन्होंने अबला, अबला क्योंकि कुछ लोग खुश नहीं है डर होता है डर उसे कहते हैं कि सत्तर साल की महिला बासठ रुपए के लिए अपनी आंचल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाती है और हम मर्द जात मौलाना उस, उस 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 औरत के झोली में साठ रुपए डालने से हिंदुस्तान के संविधान को बदल देते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक को बदल देते हैं, उसे डर कहते हैं दूसरी बात दूसरी बात मेरे भाई सर्वेश जी ने कहा कि भगवा रंग क्यों हो हरा रंग क्यों हो कोई और रंग भी तो हो सकता है मैं बोलता हूं और बिना डर के बोलता हूं भगवा रंग क्यों नहीं हो इससे सुंदर कोई रंग है इससे सुंदर कोई रंग नहीं है भारत माने क्या भारत माने भा से रत हो भा माने क्या आभा प्रभा भास्कर भास्कर माने सूरज सूरज से जो ज्ञान आता हो सूरज से भारती माने सरस्वती ज्ञान ज्ञान द्वीप हो जो ज्ञान से रत हो जो वो भारत जब सूर्य का रंग ही भगवा है बदल दो सूर्य को फिर बदलना मेरे भारत को आपको जानकारी का, नहीं है भगवा पे, पे आप लोगों सर, सर, की गर्मी इतनी ज्यादा है दोस्तों डायरेक्शन लेते बुद्धिमान है मैं बताता हूँ एक बात आपको बदल दो पहले सूर्य का रंग फिर हिम्मत करना मेरे भारत वर्ष के भगवे रंग को बदलने का बदल नहीं सकता भारत जिस जिस भगवे रंग को पहुंच जिस भगवे रंग को धारण करके आदि शंकर पूरे भारतवर्ष में दो बार घूम के गए जिस भगवे रंग को धारण करके गुरुओं ने महात्माओं ने सिखों ने अपने परिवारों को परिवारों को त्यज दिया बलिदान दे दिया उस भगवे रंग को बदला नहीं आपके तिरंगे का शीर्ष ही भगवा है भगवा बदल नहीं सकता है ये भगवा है भगवा था और भगवा रहेगा लेकिन मैं मैं तो सूफियों का एक अंग जो है पूरा है वो पहनता है मैं तो भगवान आप की आपकी जारीदारी कहां तो आप से आती हिंदू क्यों सोच आप इसको जारीदारी तो भगवान ने नहीं, नहीं। सब सबसे बड़ी अभी सबसे आप भी धारण करें भगवान अभी सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात है सब धारण करते हैं कौन नहीं धारण करता हां हां बिल्कुल उन्होंने कहा 60 वर्षों में ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ देखिए मे, मेरा जन्म 74 का है मगर स्वामी जी और आप लोग तो अभी साहब आप तो ने ने ए, मैं झुक तो के आराम से करिए मत ऐसे मैं बैठ। अरे साहब डरना पड़ेगा आपसे आप कोशिश कर रहे हैं डरा के हूं भाई 46 के स्वामी जी इमरजेंसी के समय तो आप लोगों ने देखा है आपने देखा है आराम से देखा आप बताइए इमरजेंसी के समय किस प्रकार का हालत इस देश में था फंडामेंटल राइट्स तक सस्पेंड कर दिए गए थे और ये कह रहे हैं कि साठ साल में पहली बार देश में ऐसा माहौल बन रहा है चिल्ला चिल्ला कर दूसरी बात के नाम पे। सर दूसरी बात दूसरी दुस... बात तो प्रॉब्लम ये आजकल कांग्रेसी एक बड़ा अजीब सा ट्रिक करते हैं क्या करते हैं जब वाजपेयी जी का समय था कितना बढ़िया था राम राज्य चल रहा था हम सब नतमस्तक थे वाजपेयी जी अभी नतमस्तक सब भी कहा हम नतमस्तक थे वाजपेयी जी के समय अरे वाजपेयी जी के समय हमारी हेतु थी हम भी बीजेपी में थे वाजपेयी जी के समय रोज सुबह से शाम बोलते टीवी डिबेट्स कम होते थे वो पांच छह चैनल्स थे उस समय ये रोज बोलते थे मस्जिद तोड़ डाला रे हाय रे सबसे खराब ये वाजपेयी जी सबसे खराब ये आडवाणी जी इन्होंने हिंदुओं के लिए ये कर दिया है बाबरी मस्जिद तोड़ दिया है इनसे खराब कोई नहीं उस समय सुबह से शाम तक वाजपेयी जी को पानी पी पी कर कोसते थे आडवाणी जी को पानी पी पी कर कोसते थे आप बोल रहे हैं कि दुनिया में सबसे बढ़िया वाजपेयी जी थे अब सारा कुछ खराब हो गया अच्छी बात है वाजपेयी जी के चरण शरण आप आए हैं भाजपा के चरण शरण आए हैं इसमें ये मत सोचिए ये मत सोचे कि हम बड़ाई नहीं करें हम तो बड़ाई करेंगे आप वाजपेयी जी का अच्छा बोलेंगे हम बड़ाई करेंगे मगर जिस प्रकार से आप हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं ये उचित नहीं है ना हम उस समय डराते थे ना हमने उस समय संविधान बदला है ना हम अब संविधान बदल रहे हैं ये जो सत्ता से बाहर रह के कांग्रेस पार्टी की हालत जल बिन मछली वाली होती है सत्ता पाने के लिए देखिए राहुल जी में मैं बहुत सम्मान आप तो कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं आप नाराज भी नहीं होंगे मैं राहुल जी के खिलाफ कुछ कहूंगा तो ये राहुल जी समस्त संसार की जितनी मिसाइलें हैं सब लॉन्च हो जाएंगी राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाएंगे और राहुल राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पाएंगे और अब राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद यादव जी भी अपने दोनों मिसाइल उसी में लगाए हुए हैं क्योंकि वो जो तेजस्वी और वो जो क्या एक तो तेज प्रकाश और जो नहा थे वो ट्यूबवेल में वो कौन है दोनों वो जो दोनों हैं उनको भी मिसाइल वहाँ लगाए हुए हैं सारे अपने अपने मिसाइल लगा के कैसे इन बच्चों को लॉन्च कर देना है और परिवार का सत्ता कायम रहे और उनके ऊपर मोदी जी का विकास और सबके साथ और सबका विकास उसकी जो राजनीति चल रही है ये कुछ भी कर सकते हैं सत्ता में वापस आने के लिए इसलिए भाइयों ये जो फ्रॉड मैं एक न्यूज़पेपर भी लेके आया हूं क्योंकि ये अच्छे से होना चाहिए देखिए 2014 में एक आर्टिकल छपी थी आप सबने न्यूज में देखा था जी न्यूज में दिखाया था राहुल गांधी ने दस मई दो को कहा कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री गलती से बन गए तो बाईस हजार मुसलमान मार दिए जाएंगे पूरे देश में पता नहीं कहां से संख्या उनको क्या मिली बाईस हजार मुसलमान मार दिए जाएंगे और अगले दिन इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया था कि आप ये झूठी झूठी बातें मत फैलाएं आज जो राहुल गांधी उस समय कह रहे थे शशि थरूर जी भी राहुल गांधी के कहने पर उसी प्रकार का डर का माहौल बना रहे हैं और चंद दिनों पहले जाके मीटिंग में क्या कहा कि हम मुसलमानों की पार्टी चुरू में मध्यप्रदेश में कही गई थी बात और उसके बाद इलेक्शन कमीशन सुनिए इलेक्शन कमीशन का जो जवाब दिया वो क्यों नहीं आप पढ़ रहे पढ़िए आप पढ़ ना तो, क्योंकि ये बहकाने सारा वाली आप बात है है मैं मैं करूंगा तो, तो आप हुआ बजाइए ताली आप लोग क्यों क्योंकि इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने इस बात को निरस्त किया तिवारी जी आपकी बात पे ताली बजा रहे हैं बात क्योंकि पता नहीं है ना एक पक्ष है मेरे कहने पर आप ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि आपकी ताली बजाने की आदत कम हो गई है और इसी प्रकार की हो गई है और आज पूरे देश में उत्तेजना का एक माहौल है और उत्तेजना कभी विचार नहीं होती और जहां विचार नहीं होगा वहां पार्टी नहीं होगी राजनीति के, के, के लिए धर्म का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और राजनीति को मानव सेवा धर्म के रूप में लिया जाना चाहिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं यहां सभी धर्म के लोग हैं सुन भी रहे हैं क्या यह क्यों नहीं हो सकता कि जितने भी उपासना स्थल हैं जितने भी भारतीय हैं पूरे भारत में भीतर या बाहर जहां अनुमति हो भारत माता का चित्र लगाना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए और जो इसका विरोध करे उसकी नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए आप लगाइए भारत माता का चित्र अगर आपके मस्जिद में भीतर अनुमति नहीं है बाहर लगाइए हम ये नहीं करते अभी कबीर की बात हुई कबीर दास ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हर फिर कहत कबीर कबीर आज मुश्किल ये हो गई है कि निर्मल मल मिलना बंद हो गया है चारों ओर एक वोट जो है हमारे लिए आदमी आदमी नहीं रहा है वो वोट बन गया है और उसको किसी तरह से भी बक्से में डालने का प्रयास हो रहा है हर तरफ से इससे बचना चाहिए भारत को भारत जो मूल रूप से भारत सुरक्षित है मैं कह रहा हूँ उस पर आइए भारत माता का मंदिर भारत माता का चित्र हर जगह लगाइए आप बोलिए संबित जी की ये हम करेंगे ऐसा अनिवार्य करेंगे हमारे भाईजान बोलें बोले भारत माता का मंदिर हर जितनी जितने जितने भी स्थान हैं वहाँ भारत, भारत माता का मंदिर अनिवार्य करिए आप सहमत होंगे बोलिए जी चाहता है कि इस भाई या हिंदू से अलग जो हैं वो उनको डर का भय है माहौल है हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तानी हैं मैं एक हिंदू परिवार से ताल्लुक करता हूँ हम अपनी रक्षा की बात करते हैं तो आपको अपना भय क्यों पैदा होता है मेरा प्रश्न यह मैं राकेश प्रजापति आर डब्ल्यू ए का जनरल सेक्रेटरी हूँ अभी तिवारी जी ने एक शब्द सवाल किया था कि उज्ज्वला के अंदर जिनको उज्ज्वला के तहत कनेक्शन दिए जा रहे हैं उनकी सब्सिडी बंद की जा रही है आप इस जनता पूरी सुन रही है आप किसी को मिसगाइड ना करें इसके अंदर सब्सिडी आज भी लोगों को मिल रही है मैं विकास हूँ बुलाना साहब मैं पूछना चाहूंगा कि हिंदुओं की घटती संख्या के जनसंख्या के लिए क्या कोई सरकार जिम्मेदार है हेमंत कुमार दिल्ली से मैं सिर्फ एक छोटी सी लाइन में अपनी बात कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी चैनल पर धर्म का जो विश्लेषण है वो होता ही क्यों है मेरा नाम ललित सूदन है जी तो मैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ तो मैं एक सवाल ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल में ये है कि जो कश्मीरी पंडित है वो क्यों डरा हुआ है मेरा नाम राज है और मैं आबू धाबी से आया हूँ मेरा सवाल आबिद साहब से है इन्होंने अभी कहा कि बड़ी शांति से यहाँ सब लोग रहते हैं तो मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ जैसे महा मंडेश्वर जी ने कहा कि आप ये भारत माँ की फ़ोटो अपनी मस्जिद के बाहर लगाएंगे अगर ऐसा है तो ये सही हिंदुस्तान है और आप सब भारतीय हैं थैंक यू देखिए एक सवाल एक भाई ने किया था ने। लेकिन मेरे नज़दीक भारत माता आप कहते हैं मैं मादरे वतन कहता हूँ मादरे वतन की या भारत माता की तस्वीर धर्म स्थलों के बाहर दीवारों पे या कहीं मीनारों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसको दिल में बसा के रखने की ज़रूरत है आपने बहुत अच्छी बात कही हृदय में रखिए अल्लाह आपके भीतर है फिर आप मस्जिद क्यों जाते हैं सर झुकाने के लिए हाँ तो सर सर झुकाने के लिए इसके सामने भी सर झुकाइए अल्लाह के इसके भीतर नहीं है आप जब यहाँ मान के जब वहाँ जाते हैं मेरा वो आशय था देखिए आज मुझे बड़ी खुशी हुई भारतीय जनता पार्टी का महिमामंडन हुआ मैं देखिए राजनीतिक पशु हूँ तो राजनीति की बातें तो करूँगा ही आप इफ्तार अभी चल रहा था थोड़े दिन पहले रोजे चल रहे थे तो हर दिन शाम को इफ्तार होती थी हर दिन हम डिबेट पे भी बैठे थे मैं और अभी भी लड़ते रहते थे बड़ा, कि बड़ा, क्या होगा क्या बड़ा ड्रामा होता है इफ्तार इफ्तार में जो ड्रामा जिसको ये कह रहे हैं कर बात इफ्तार में सब लोग को टोपी दिया जाता है टोपी पहनते हैं फिर लबादा लगा के नमाज ममता जी को तो मैं देखता हूँ नमाजी पढ़ती है वो पूरा और उसके बाद सब रोजा तोड़ते हैं मगर मैंने कभी देखा नहीं कि ये फोटो पूरा गूगल में हमेशा रहता है मगर पता नहीं मैंने देखा नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा होगा कि नवरात्र के समय अभित भाई मेरे घर पे आके चंदन वंदन लगा के टीका लगा के माता जी के पास बैठे हुए हैं कि हे माता जी अब व्रत तोड़ने का वक्त आ गया मैं भी संबित भाई के साथ जरा चुन्नर ओढ़कर तो आप अवतार से भी मना कर रहा हूँ कि आप अवतार के नाम पर क्यों ये ड्रामा करवाते हैं मैं मैं ड्रामा करा रहा था आप ही के प्रिय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं मुझे मुला मुलायम करो के फोटो आप कलकत्ता में चले जाओ यहां साड़ी ऐसे ऐसे बैठी है हर पे महामंडलेश्वर धार्मिक व्यक्ति है हम लोग राजनीतिक व्यक्ति है, तो है, तो भी भी है, है। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं जब तक भाई भाई बनने की प्रक्रिया दोनों तरफ से नहीं होगी तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं चलती क्या कहता है बहुत ही अच्छे तरीके से कह लीजिए बहुत अच्छा लगेगा मुझे आपके मुझे लगा अबित आप भाई आपने बड़ी अच्छी बात कही ये डिस्कशन आजकल रोज सुबह से शाम तक चलता है कि कुछ लोग डरे हुए हैं और जब से मोदी जी आए हैं वो सबको डरा के रखे हुए हैं बंधुओं आप तो जनता है आप तो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है टीवी ऑन करिए सुबह से ये जो लोग डरे हुए होते हैं सुबह से चाय भी नहीं पिए होते हैं कुल्ला करने के बाद मोदी तू ऐसा है मोदी तू ऐसा है तू नीच है तू चाय बेच तू बदमाश ये बीजेपी वाले बदमाश ये आर बदमाश ये डरे हुए लोगों का लक्षण है ये डरे हुए लोगों का लक्षण सुबह से शाम तक पानी पी पी कर कोसना ये डरे हुए लोगों का लक्षण नहीं है और मैं बोलता हूं डरा हुआ कैसा होता है मैंने जी टीवी में तीन दिन पहले देखा कि एक सरदार जी हैं और वो पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान के पहले सरदार पुलिस ऑफिसर थे उनको किस प्रकार से धक्के मारकर पाकिस्तान घर से बाहर निकाल रही है और वो पगड़ी तक बांध उन्होंने कहा था हाथ जोड़कर मुझे सिर्फ पगड़ी बांधने का मुहूर्त दो क्योंकि ये मेरे धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं पगड़ी बांध लूँ उनको पगड़ी तक बांधने नहीं दिया गया अफगानिस्तान में ब्लास्ट हुआ सिखों को उड़ा दिया गया आज वहाँ छोटी छोटी हिंदू बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है मैं व्याख्यान नहीं कर सकता है और आप कहते हैं कि यहाँ हिंदुओं ने आपको डरा के रखा हुआ है नहीं साहब हमने कल भी नहीं डराया था हम आज भी नहीं डरा रहे हैं और कल भी नहीं डराएंगे क्योंकि डराना हमारे फितरत में नहीं है डराना हमारे फितरत में नहीं है अगर डराना हमारे फितरत में होता तो मेरी मां भारती उनकी फोटो वहां है मेरी मां भारती को चीर करके उनके आंचल को चीर करके पाकिस्तान बन जाता अगर डराते हम तो पाकिस्तान बन जाता मैं आपसे कहता हूं डर डर के जीने का नतीजा यह है कि आज पाकिस्तान बना हुआ है चार दिन पहले मैं एक डिबेट कर रहा था इसी चैनल पर डिबेट कर रहा था ग्रैंड मुफ्ती जो कश्मीर का है वो निकलकर क्या कह रहे थे शरिया कोर्ट दे दो नहीं तो दूसरा देश दे दो याद रखिए धर्म भी वही कहता है कि मैं रक्षा उसी की करती हूं जो अपना रक्षण कर सकता है जो स्वयं अपना रक्षण नहीं कर सकता है धर्म आपकी रक्षा नहीं करेगा और जब मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकूंगा तो मातृभूमि मेरी रक्षा नहीं करेगी केवल भाषण देने से कि हम भाई भाई, भाई हैं नहीं होता है भाई भाई है तो शरिया कोर्ट क्यों चाहिए मेरे कोर्ट में आप आइए ना दो भाइयों का अलग कोर्ट क्यों भाई भाई है तो ट्रिपल तलाक यहां हमारी बहनें बैठी हुई हैं मैं पूछता हूं यह बहन मुसलमान है या हिंदू है मैं जान नहीं सकता हूं मगर मैं इतना बताना चाहता हूं भाई भाई है तो एक ही संविधान में इस बहन के अधिकार यहां भी जो होगा वहां भी वही होगा ट्रिपल तलाक पे आप अलग कानून क्यों चाहते हैं और मैं बताता हूं डराता कौन है डराता वो है जो आके कहता है पंद्रह मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर देखो हम हिंदुओं का क्या खर्च करते कौन डराता है मोदी जी ने डराया किसी को सबका साथ सबका अगर सिलेंडर किसी गांव में किसी माँ मा के पास पहुंच रही है उज्ज्वला योजना के माध्यम से तो कोई नहीं देखता है वो खातून बेगम है या वो वो तुलसी बाई है यहां कोई नहीं देखता यहां मैं रुकूंगा संबित भाई जाता है जब कर्नाटक से आने वाले आपके एक एम साहब खड़े होकर के अनंत कुमार जी कहते हैं कि हम इस संविधान को बदलेंगे तो लोगों को उस पर जो है चौकन्ना होना जरूरी हो जाता है इसलिए कि आप उसका खंडन ऑफिशियली नहीं करते अगर आप उसका खंडन कर देते बात समझ में आती है, कि भी है, एक की राय हो सकती है। वो उसने अपनी राय प्रकट की लेकिन पार्टी ने और सत्ता ने उसका खंडन कर दिया तो बात समझ में आती है लेकिन जब आप चुप रह जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आप भी इन चीजों का फायदा उठा करके अपनी सत्ता के लोभ में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं चलिए आप थोड़ा असली मुद्दे पर आते हैं। ये देखिए बताया तो इन्होंने कि अनंत कुमार ने कह दिया कि संविधान हम अलग अच्छा, बनाएंगे अच्छा, इन्होंने तो जवाब दिया मतलब शशि तरूर ने क्या कहा उससे पहले अनंत कुमार ने कह मतलब दिया शशि तरूर ठीक है दूसरी बात दूसरी बात अगर आज के इस समय में जो डरने की बात कर रहे हैं जाके आप देखिए कुछ जगहों पर कौन डरा हुआ है चेहरे से जबान नहीं खुलती लोगों की आज जब रोज बात होती है आज आज हर दूसरे दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक बात आ जाएगी कभी जिन्ना का फोटो क्यों टंगा हुआ है यही इसी की सरकार इसी बीजेपी की सरकार थी वाजपेयी जी ने चलाई थी और वाजपेयी जी गुण, आज देखिए उन दोनों में क्य। क्या आप चाहते हैं कि जिन्ना की फोटो वहां रहे इस बात को बात? मैं एक निवेदन करूंगा मैं बिल्कुल आज का जो ये मंच है क्या हिंदुत्व से आने वाले भविष्य खतरा है अगर इस पे हम केंद्रित होते हैं नहीं नहीं मैं जवाब दूंगा गुरुजी, जी बिकॉज बहुत जायज जवाब है इस मेरे सवाल का यह मतलब कहीं नहीं था कि क्या मैं चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं मैं ये कहता हूं बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में अगर जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है उसको हटाना है कौन हटाएगा हम मुद्दा बना रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो कौन उतारेगा सत्तर वर्षों से जिन्ना की तस्वीर वहां टंगी हुई है लाइब्रेरी के अंदर कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने देखा भी नहीं मुद्दा बनाया नहीं आप बताइए पाकिस्तान में किसी भी लाइब्रेरी या किसी भी कॉलेज के अंदर नेहरू जी या महात्मा गांधी की फोटो है नहीं है हो नहीं सकती है हम किस विषय पर डिबेट कर रहे हैं नहीं। कि सर मैं कंप्लीट कर फिर आप जरूर पर करिएगा हम किस विषय डिबेट रहे हैं कि जिन्ना की तस्वीर होनी चाहिए नहीं मैं तो बात ही नहीं हो रही भाई यही तो गलत बात है ना डायरेक्शन आप गलत देते हैं लोग आप कहते हैं कि सरकार में हम है उतार दीजिए पुलिस गई थी ना क्या हाल हुआ वहां दंगे की हालत हो गई बाहर लाठी चप्पल जूते पत्थर कंकड़ सब चले वहां पर एक आदमी को खरोच आ जाएगा तो फिर बोलेंगे देखो जी जिन्ना अच्छा, का तस्वीर अच्छा, उतारने के लिए ये हमारे मुसलमान भाइयों को डरा दिया है, ये अपनी हमारे मुसलमान भाइयों को मार दिया भारतीय सरकार बोलेंगे क्यों नहीं, उतारा? क्यों नहीं उतारा ये ये डरा रहे हो आप, आप लोग आज सच तरफ, आ, तरफ आ, आज आज सच, आज सच 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 देखिए है कि भारत की सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव ने सबके सामने ये कह, कह दिया चेहरा दिखाई सामने सबके सामने ये कह दिया बहुत करते हैं संबित भाई मुझे डराने की लेकिन

ये बहाने बाजे की राजनीति जो है ना ये देश को दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रही है और यहां आवाज उठाने की जरूरत है सबको मैं समाज मुझे समझ में नहीं आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लड़ नहीं पा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम, हम हम नहीं उतार पाए पाकिस्तान को एक साथ लाके खड़ा कर दिया इसलिए आप नाटक से कुछ नहीं होता क्या हो ये सब देखिए मेरा धर्म चक्र प्रवर्तन आया और सुप्रीम कोर्ट का टैग है ये तो धर्मस्तो जया और धर्म की टैगलाइन है धर्मो रक्षति रक्षता जो सनातन धर्म है और ये देश आजाद भी इसलिए हुआ है कि धर्म के मूल में जो आध्यात्मिक भाव था वह भाव ने शक्ति दी और उसी शक्ति से भारत आजाद हुआ और मैं समझता हूं कि जो अभी एक शब्द आया हिंदू पाकिस्तान इससे बड़ा मैं दुर्भाग्य भारत का नहीं समझता और एक बात और बता दूं अभी आदरणीय संविज्य ने कहा कि लड़ने की बात हमारे यहाँ धर्म में कहा गया है ऋषियों ने कहा है कि उभाभ्याम समर्थो हम शरादपी सरपादपी हम श्राप से भी श्राप देने में भी समर्थ हैं और अगर धर्म की रक्षा की आवश्यकता हुई तो शस्त्र उठाने में पीछे नहीं रहना चाहिए एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो भारत का संविधान है वो मूलतः एक आध्यात्मिक व्यवस्था है क्यों है क्योंकि उसमें बिना किसी भेदभाव को सबको समान अधिकार दिया गया है और मैं समझता हूँ किसी समान अधिकार के दुरुपयोग का परिणाम है क्या हम लोग इन छोटी छुट छोटी बातों में उलझे हुए हैं देश के मूल प्रश्नों से हम पीछे हो जा रहे हैं संबित भाई एक बात बोल रहे थे इन्होंने कहा कि सब भारत माता को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जिन्ना ने पाकिस्तान बन गया मैं पूछना चाहता हूं संबित भाई आपसे आपकी पार्टी से और आपकी विचारधारा को जो लोग समर्थन करते हैं उन सब से मेरा सवाल है कि जिस वक़्त मोहम्मद अली जीना एक साइड खड़े थे और उनके मुकाबले में दूसरा एक पक्ष खड़ा था आप उस आप लोग उस वक़्त कहाँ थे मेरे भाई आप कहते हैं कि अलीगढ़ और पाकिस्तान मैं पाकिस्तानी नहीं हूं पाकिस्तान का समर्थक नहीं हूं पाकिस्तान की आइडियालॉजी को ना हमने कल कबूल किया ना आज करते हैं ना आगे करेंगे लेकिन आपने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान में कहीं गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है पाकिस्तान में गांधी जी की एक मूर्ति नहीं कई सौ मूर्तियां लगी हुई हैं और शहीद भगत सिंह के नाम पर तो बाकायदा लाहौर में भगत सिंह चौक बना हुआ है mm. मैं जिन्ना पड़ेगा अरे अरे ये आपकी दुखती रगे ये आपकी दुखती रगे क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं बड़े भावनात्मक होकर के आप अभी भी अपनी कॉन्स्टेंसी को संबोधित कर रहे थे थोड़ी देर पहले मैं आपको वहीं से निकाल के लाना चाहता हूं मेरे संबित भाई आप उम्र में मुझसे छोटे हैं आप शायद मुझसे बहुत ज़्यादा दिन जिएंगे हम मर जाएंगे ये देश यहीं रहेगा इसमें हमारी नस्लें रहेंगी इस देश को ऐसा मत बना के जाइए कि हम रंग से हम नस्ल से हम धर्म से किसी एक दूसरे के बारे में अपने दिमाग को अपनी सोच को छोटा कर लें अगर हम ऐसा करेंगे यकीन जानिएगा हम अपना ही नुकसान करेंगे किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं करेंगे देखिए मिति में आना पड़ेगा दोनो, दोनों दोनों महत्वपूर्ण है रजो धर्म धर्म भी महत्वपूर्ण है सत्तो गुण भी महत्वपूर्ण है इसलिए दोनों गुणों का समावेश होना चाहिए देखिए भाई ने यहां कहा कि जो बड़ा भाई होता है उसको अपने वचनों की चिंतन करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे एक डिविज फोर्स क्रिएट हो और बंटवारे की बात हो इतने वर्षों तक सत्तर वर्षों तक ये कांग्रेस बड़ा भाई था और धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे शब्द थी जिसको बाद में जो अंबेडकर साहब ने सेक्युलरिज्म शब्द में नहीं डाला स्वतः ही, अपने आप ही, ही है। उसके में धर्मनिरपेक्षता है एक शब्द के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए मगर इंदिरा जी ने किन्हीं कारणों से उस शब्द को डाला और आज उस शब्द को लेकर एक बहुत बड़े कालखंड में बड़े भाई ने कांग्रेस पार्टी ने धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा बनाया था हिंदुओं के लिए गाली और मुसलमानों के लिए ताली बुरा मत मानिएगा जो हकीकत है मैं विदाउट वर्ड्स कह रहा हूं कैसे सत्तर साल की वो मुसलमान थी हिंदू थी भूल जाइए एक सत्तर साल की महिला थी उसके पति ने जो एक वकील था उसको छोड़ के धक्के मार के घर से बाहर चौराहे पे निकालता है वो कोर्ट में जाती है उस जमाने में उसे साठ बासठ रुपए मिलता है प्रति माह अपने घर को चलाने के लिए सत्तर साल की महिला को बासठ रुपए माह मिलता है बहुत सारे मौलाना नाराज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उस महिला के साथ खड़ी हो जाती है मगर मौलाना जाके समझाते हैं राजीव जी को राजीव जी संविधान राजीव गांधी जी को राजीव गांधी जी संविधान में कुछ भी लिखा हो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे मगर हम खुश नहीं हैं राजीव जी ने क्या किया कांग्रेस पार्टी और राजीव जी ने जो 400 सीट लेकर आए थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट को, उस फैसले को को फैसले दरकिनार किया और कहा कि यह अबला अबला ही रहेगी क्योंकि कुछ लोग खुश नहीं है डर होता है डर उसे कहते हैं कि जब सत्तर साल की महिला बासठ रुपए के लिए अपनी आंचल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाती है और हम मर्द जात मौलाना उस, उस 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 औरत के झोली में साठ रुपए डालने से हिंदुस्तान के संविधान को बदल देते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बदल देते हैं उसे डर कहते हैं दूसरी बात दूसरी बात मेरे भाई सर्वेश जी ने कहा कि भगवा रंग क्यों हो हरा रंग क्यों हो कोई और रंग भी तो हो सकता है मैं बोलता हूं और बिना डर के बोलता हूं भगवा रंग क्यों नहीं हो इससे सुंदर कोई रंग है इससे सुंदर कोई रंग नहीं है भारत माने क्या भारत माने भा से रत हो भा माने क्या आभा प्रभा भास्कर भास्कर माने सूरज सूरज से जो ज्ञान आता हो सूरज से भारती माने सरस्वती ज्ञान ज्ञान दीप हो जो ज्ञान से रत हो जो वो भारत जब सूर्य का रंग ही भगवा है बदल दो सूर्य को फिर बदलना मेरे भारत को आपको जानकारी का, नहीं है पहले भगवान पे, पे आप सर, लोगों की गर्मी इतनी ज्यादा है वो डायरेक्शन लेते हैं बुद्धिमान है मैं बताता हूँ एक बात आपको बदल दो पहले सूर्य का रंग फिर हिम्मत करना मेरे भारतवर्ष के भगवे रंग को बदलने का बदल नहीं सकता भार। जिस जिस भगवे रंग को पहुंच जिस भगवे रंग को धारण करके आदि शंकर पूरे भारतवर्ष में दो बार घूम के गए जिस भगवे रंग को धारण करके गुरुओं ने महात्माओं ने सिखों ने अपने परिवारों को परिवारों को त्यज दिया बलिदान दे दिया उस भगवे रंग को बदला नहीं आपके तिरंगे का शीर्ष ही भगवा है भगवा बदल नहीं सकता ये भगवा है भगवा था और भगवा रहेगा